कुछ ही दिनों में नवरात्रि जैसे शुभ पर्व की शुरुआत होने वाली है। इस पर्व को लेकर शक्ति के साधकों को काफी इंतजार रहता है। वहीं दूसरी ओर लोगों के मन में इस पर्व को लेकर कई सवाल भी होते हैं, जिनमें वे जानना चाहते हैं कि इस पर्व की शुरुआत कब होगी, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, इस पूजा को करने के लिए किन किन नियमों का पालन करना होता है। इन सभी सवालों का जवाब आज हम आपको बताने जा रहे हैं। बता दें कि नवरात्रि के इस पर्व को आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नवमी तक मनाया जाता है। नवरात्रि को शक्ति की साधना के लिए सबसे ज्यादा शुभ और फलदायी माना जाता है। नवरात्रि का यह पर्व देवी दुर्गा से जुड़ा है, जो कि साल में चार बार मनाया जाता है, जिसमें से चैत्र नवरात्रि और शरद नवरात्रि के अलावा दो गुप्त नवरात्रि भी पड़ती है। इन चारों में शारदीय नवरात्रि को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और इसी के साथ दुर्गा पूजा भी संपन्न होती है। वहीं अगर इस साल के शारदीय नवरात्रि के तारीख की बात करें तो इस साल यह 26 सितंबर 2022 से शुरू होगी और 5 अक्टूबर तक चलेगी। आइए अब हम आपको देवी दुर्गा की साधना आराधना से जुड़े इस पावन पर्व की प्रमुख तिथियों, पूजा विधि और उसके शुभ मुहूर्त के बारे में विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले जानते हैं नवरात्रि पर घट स्थापना का क्या मुहूर्त है। इस पर्व में शक्ति की साधना के लिए 9 दिनों तक पूजा पाठ की जाती है, जिसमें सबसे पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। इस साल शारदीय नवरात्रि का पहला दिन 26 सितंबर 2022 को पड़ेगा और इसी दिन घट की भी स्थापना की जाएगी। अगर हम देश की राजधानी दिल्ली के समय के अनुसार चले तो घट स्थापना के लिए सबसे उत्तम शुभ मुहूर्त सुबह 6:11 से लेकर 7:51 बजे तक का है। इस मुहूर्त के अलावा भी आप चाहे तो घट की स्थापना इसी दिन अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं, जिसका समय सुबह 11:48 से दोपहर 12:36 तक निर्धारित किया गया है। घट स्थापना करने के लिए सबसे पहले मिट्टी के एक बर्तन में सप्त धान रखें। अब एक कलश में जल लें और उसके मुख पर कलावा बांधें। कलश के ऊपरी हिस्से पर आम या अशोक के पत्ते बांधें। इस पर श्रद्धा से एक नारियल रखें और कलावा लपेटें। नारियल पर लाल रंग की चुनरी बांधें। इसके बाद इस कलश को उठाकर माता की चौकी के पास रख दें। नवरात्रि में पूरे 9 दिन इस कलश पर तिलक करते रहें और मैया रानी से अपने संकट हर लेने की कामना करें। वहीं अगर नवरात्रि के पावन तिथियां पर नजर डालें तो नवरात्रि का पहला दिन 26 सितंबर सोमवार है। नवरात्रि का पहला दिन यानी कि प्रतिपदा के दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। 27 सितंबर मंगलवार को नवरात्रि का दूसरा दिन है। इस दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। 28 सितंबर बुधवार को नवरात्रि का तीसरा दिन, इस दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। 29 सितंबर गुरुवार को नवरात्रि का चौथा दिन है। इस दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। 30 सितंबर शुक्रवार को नवरात्रि का पांचवा दिन, इस दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। नवरात्रि का छठा दिन 1 अक्टूबर शनिवार को है। इस दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। 2 अक्टूबर रविवार को नवरात्रि का सातवा दिन है। नवरात्रि के सातवें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। 3 अक्टूबर सोमवार और 4 अक्टूबर मंगलवार को नवरात्रि का आठवां और नौवां दिन है। इस दिन मां महागौरी और मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। वहीं इस पर्व का अंतिम दिन यानी कि मां दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन का दिन 5 अक्टूबर बुधवार को मनाया जा रहा है। नवरात्रि के अंतिम दिन मां दुर्गा को विदाई दी जाती है और उनके प्रतिमा का विसर्जन कर दिया जाता है और इसी के साथ नवरात्रि की समाप्ति हो जाती है। अब हम आपको बताते हैं कि नवरात्रि की पूजा विधि क्या है। नवरात्रि के पहले दिन शक्ति की साधना को करने के लिए प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठे और स्नान ध्यान करने के बाद 9 दिनों तक किए जाने वाले नवरात्रि के व्रत का संकल्प लें और शुभ मुहूर्त में विधि विधान से कलश स्थापना करने के बाद देवी दुर्गा की फल फूल आदि चढ़ाकर देवी दुर्गा की मंत्र श्रोत आदि से पूजा करें। नवरात्रि में प्रतिदिन देवी की पूजा में दुर्गा सप्तशती का पाठ विशेष रूप से करें। इसके बाद अपनी परंपरा और विश्वास के अनुसार अष्टमी या नवमी वाले दिन देवी की पूजा के साथ 9 कन्याओं का भी विशेष रूप से पूजन करें। कन्याओं को पूरी, चना, हलवा आदि को खिलाने के बाद उन्हें अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद ले और सम्मान पूर्वक विदा करें। इसके बाद व्रत का पारण करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।